आप रियलमी के फैन हैं, कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप शाओमी के भी फैन हैं, तब भी यार ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाने वाला है। और इस वीडियो में मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं ना, जब आप उसे सुनेंगे तब आप कहेंगे कि यार इस चीज का इंतजार मुझे बहुत दिनों से था। और बार बार आपके कमेंट भी आ रहे थे कि भाई ये कब होगा। अब फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं कि यार रियलमी और शाओमी की तरफ से क्या खुशखबरी आई है। और यदि आप इन दोनों कंपनी के फैन हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों कंपनी आपस में भिड़ रही है। और जब भिड़ती है ना तो फायदा जो होता है वो हम जैसे कस्टमर का होता है, क्योंकि जब कंपनी आपस में भिड़ेगी तो प्रोडक्ट सस्ता होगा, और प्रोडक्ट जब सस्ता होगा तो बेनिफिट भी हमारा होगा। और प्रोडक्ट सस्ता बनाने के लिए उसमें अच्छी चीजें डालनी पड़ती है, और ये जो चाइना वाले हैं ना ये अच्छी चीजें भी डालते हैं और हमें सस्ते में देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं यार कि ऐसा काम करे कोई इंडियन कंपनी, तब और ज्यादा मजा आ जाए। चलिए अब बात मैं कर लेता हूं कि भैया रियलमी और शाओमी की तरफ से क्या खुशखबरी आ रही है। अभी यदि आप किसी के कमेंट बॉक्स को रीड करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, सबके पास एक कमेंट ये आता है कि यार Realme 3 Pro कब लॉन्च होने वाला है, क्योंकि मार्केट में आजकल हल्ला है Redmi के Note 7 Pro का, जो 14,000 रुपए में बहुत अच्छा डिवाइस है। अब 14,000 रुपए में बहुत अच्छा डिवाइस तो है, अब कोई ना कोई फोन ऐसा आना चाहिए जो Redmi के Note 7 Pro को टक्कर दे, और इसी के आसपास प्राइस भी आना चाहिए, वो है Realme 3 Pro। और अब फाइनली ये फोन लॉन्च होने वाला है, और अब डेट भी कंफर्म हो चुकी है। ये फोन आपको इसी महीने की 22 तारीख को मिलने वाला है। 22 तारीख को हर एक चीज खुल जाएगा कि भैया इस फोन में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। और ये फोन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च होगा। और मैं आपको ये बता दूं, Realme का जो सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस है वो है यूथ। Realme यही चाहता है जितने भी यूथ अपने फोन से दिन भर चिपके रहते हैं वो Realme का डिवाइस ले ले। और Xiaomi ये चाहता है कि यार इनकी जो मार्केट है ना इंडिया में वो और जल्दी और आगे बढ़ जाए। और Realme का 3 Pro बहुत अच्छा डिवाइस आने वाला है, क्योंकि इस बार जो इस फोन का प्राइस होने वाला है वो 13,000 के आसपास होने वाला है। और यहां पर आपको वूक चार्जिंग भी मिल जाएगी, और साथ में स्नैपड्रैगन का 710 आने वाला है। और मेरे हिसाब से ये फोन बहुत अच्छा टक्कर देने वाला है Redmi के Note 7 Pro को, क्योंकि यहां पर जो आपको कैमरा मिलने वाला है वो है सोनी का iMac 519, और यही कैमरा आपको मिल जाता है यार OnePlus के 60 में। मतलब ये जो सेंसर है वो काफी कमाल का होने वाला है। और मिस्टर माधव सेठ धीरे धीरे करके पत्ते खोल रहे हैं और भी ज्यादा हाइप बना रहे हैं Realme 3 Pro का। वैसे अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है यार ये फोन आ रहा है, तो जिन लोगों को फोन चाहिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, अब ये फोन इस महीने आपको मिलने वाला है। अब बात Realme की खत्म हो चुकी है, क्योंकि Realme का ये डिवाइस तो आ ही रहा है, अब Xiaomi की बारी है। और Xiaomi का Redmi के Note 7 Pro में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है, 14,000 रुपए में बहुत अच्छा डिवाइस है। इसके साथ साथ Redmi का Note 7 आपको मिल जाता है 10,000 रुपए में। इसके साथ साथ Redmi का Go भी आ चुका है, और अब बारी है एक नए फोन की। और जो नया फोन है यह है Redmi का Y3। जी हाँ, अब आने वाला है Redmi का Y3। और इस फोन का सबसे अच्छा जो फीचर होने वाला है वो होने वाला है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब इस बार आपको अच्छा मेगापिक्सल वाला कैमरा सेल्फी के लिए मिलेगा। और 32 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है ना ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। साथ में यहां पर आपको बड़ी बैटरी भी मिलेगी। और इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो सबसे गजब होने वाला है, होगा 8,000 से लेकर 9,000 के आसपास। यार यदि 9,000 रुपए में हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाए, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाए, और साथ में यार बिल्ड क्वालिटी यदि शानदार हो तो क्या बात है। मतलब Xiaomi और Realme दोनों कंपनियां कुछ ना कुछ नया कारनामा करने वाली है, और इस बार और भी ज्यादा टक्कर होने वाली है, क्योंकि एक तरफ है Xiaomi, एक तरफ है Realme, और Asus भी चुप नहीं बैठने वाला है। और इनका भी बहुत ही जल्दी Asus का Zenfone Max Pro M3 आने वाला है, और ये फोन इन दोनों फोन को टक्कर देगा, चाहे वो Redmi का Note 7 Pro हो या Realme का 3 Pro हो। और अभी एक Asus की तरफ से ये न्यूज आई है, यदि आपके पास Asus का Zenfone Max Pro M1 है, M2 है, तो यार यहाँ पर आपको पाई का अपडेट मिल चुका है, तो फटाफट जाओ पाई के अपडेट को कर लो। और यदि आपको फोन लेना है तो बस आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि Redmi का Note 7 Pro का भाई है वो भी आने वाला है 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, और Realme 3 Pro भी आने वाला है। वैसे इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर दोगे तो आप
आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।